अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, एक बार फिर मैं शेख जाकिर बशीर आपके सामने हाजिर हूं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इस लेसन के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ आइए आज हम दूसरा पीरियड या इस लेसन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हम दूसरा पार्ट जो देखने जा रहे हैं वो आपकी किताब का पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51, इन दो पेजेस पे के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। चलिए हम इस लाइन से शुरुआत करते हैं। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण। हाय गजब, गजब हो गया, मिसेस भूषण ने जवाब दिया। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो अपने एक झाड़ू मारने वाले को तनख्वाह नहीं दे सकते तो बैंक की हालत बहुत खराब हो चुकी है, यह बैंक बहुत ही बदतर हालत में जा चुका है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, जिसकी वजह से किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होंगी। यानी बैंक यह खराब हालत में जा चुका है, इसलिए बैंक के किसी मुलाजिम को वहां पर तनख्वाह नहीं मिल रही होंगी। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव At the tamarind tree and went in search of her husband. उसने मिसेस श्रीवास्तव को इमली के दरख के साये में छोड़ा और अपने शोहर की तलाश में चली गई। Who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with his owner. उसका शोहर कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान के सामने इसके मालिक से गुफ्तगू करते हुए बैठा था। यानी वहां से निकली और सीधा अपने हस्बैंड के तलाश में चली गई। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण। अच्छा आप यहां हो, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपीयर। मिसेस भूषण ने कहा, चिल्लाकर कहा कि मैं एक घंटे से तुम्हें तलाश कर रही हूं, कहां गायब हो गए थे। डिसअपीयर होना यानी गायब होना, तुम कहां पर गायब हो गए थे। नोवेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण ने कहा, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, अगर तुम एक दुकान में ठहरे रहती तो मैं तुम्हें मिल लेता। यानी अगर तुम एक ही दुकान पर रहती तो मैं तुम्हें मिल लेता। तुम तो हर कपड़ों के हर दुकान पर जाती हो और कपड़े देखते रहती हो, तो अगर तुम एक दुकान पर रहती तो यकीनन मैं तुम्हें मिल जाता। आई माइट हैव फाउंड यू, मैं तुम्हें तलाश कर लेता या मैं तुम्हें ढूंढ लेता। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनादर, लेकिन तुम कपड़े तो खरीदते नहीं हो, बस एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, लाइक अ बी इन अ फ्लावर इन अ गार्डन। तुम ऐसे एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हो जैसे शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल की तरफ या एक छत्ते से दूसरे छत्ते पर बागीचे में जाकर बैठती है। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग। कुरकुर या गुरगुर करना बंद करो। ग्रम्बलिंग कुरकुर करना। द हीट इज ट्राइंग इनफ, पहले ही गर्मी ने मुझे परेशान किया हुआ है, परेशान कर रखा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर बैंक, मैं नहीं जानती कि पीपल नगर बैंक में क्या चल रहा है, और पता नहीं किसे मालूम कि वहां पर बैंक में क्या हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, मुझे ऐसा लगता है या मालूम हुआ है कि बैंक का दिवालिया निकल चुका है, यह बैंक का दिवालिया का वक्त आ चुका है। बैंकरप्ट यानी बर्बाद होना, यानी बैंक बर्बादी की तरफ जा रही है। व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली। विच बैंक, क्या कहती हो। कमल किशोर फौरन उठ बैठा और कहा, कौन सा बैंक, व्हाई। द पीपल नगर बैंक ऑफकोर्स, क्यों, यही पीपल नगर बैंक बर्बाद होने जा रहा है। आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने सुना है कि उन्होंने मुलाजमीन की
तनख्वाह देना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। अब मुझे यह मत कहना मिस्टर किशोर कि कहीं तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट है या तुम्हारा उस बैंक में खाता है। नो बट माई नेबर हैज। नहीं, मेरा नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का खाता उसमें है। ही एक्सक्लेम, उसने हैरत से कहा या हैरत ज़दा अंदाज में अपनी बात को पेश किया। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। फिर दरमियानी नीची दीवार के उधर हजाम की दुकान के मालिक को आवाज दी और उससे कहा, दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। उस हजाम से कहा कि दीपचंद, क्या तुमने ताजा खबर सुनी? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। कि पीपल नगर की बैंक बंद होने जा रही है, बर्बाद होने जा रही है। यू बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। तुम जल्द से जल्द बैंक में तुम्हारे जितने पैसे है वो बैंक से निकाल लो। दीपचंद, हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, वॉज सो स्टार्टलेट दैट हिज हैंड शुक एंड ही निक हिज कस्टमर्स राइट ईयर। दीपचंद एक उम्र रसीदा या बूढ़े शख्स के बाल काट रहा था। बैंक के खबर सुनकर वो इतना हड़बड़ाया, इतना सटपटाया कि इसका हाथ हिल गया और इसने ग्राहक के दाएं कान पर खराश लगा दी। द कस्टमर येल्प्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस। ग्राहक दर्द और परेशानी के मारे जोर से चीख उठा। पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस। वो दर्द जो था वो उस कट की वजह से, दर्द कान के कटने का और परेशानी इस भयानक खबर की जो अभी अभी इसने सुनी थी। मींस द कस्टमर वॉज येलिंग बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द बैंक एंड बिकॉज ऑफ द कट। वो जो कस्टमर था जिसके कान पे कट लग चुका था वो जोर से चिल्लाया बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड। इसलिए कि उसके कान पे जख्म लग चुका था और साथ ही साथ उसने ये सनसनी खबर सुनी थी कि बैंक बर्बाद होने जा रहा है, पीपल नगर बैंक खत्म होने जा रहा है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेव्ड। गर्दन की एक जानिब के बाल काटने बाकी छोड़कर, यानी भी एक साइड की जो तो दाढ़ी बाकी थी। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। वो एक साइड के बाल काटना छोड़कर वो दौड़ता हुआ रास्ते की दूसरी तरफ किराना दुकान में गया जहां टेलीफोन था। ही डायल सेठ गोविंद राम्स नंबर। उसने सेठ गोविंद राम के नंबर लगाया, सेठ गोविंद राम का नंबर उसने एसटीडी की दुकान से डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम। सेठ गोविंद राम घर पर नहीं थे। वेयर वॉज ही देन। तब वो कहां गया था? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। सेठ कश्मीर में तातीलात गुजार रहा था। ओ वॉज दैट सो। अच्छा ऐसा है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। उमर रसीदा शख्स को इस पर यकीन नहीं आया। ही हरीड बैक टू। वो तेजी से हजाम की दुकान पर से लौटा, बार्बर शॉप, एंड टोल्ड दीपचंद। वो हजाम की दुकान पर से लौटा और दीपचंद को बताया कि द बर्ड वॉज फ्लोन। परिंदा उड़ गया है। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन। सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर चला गया। डेफिनेटली इट मींस अ कोलैप्स। इसका मतलब यकीनन बैंक का दिवालिया निकल चुका है या बैंक बर्बाद हो चुकी है। एंड देन ही डैश आउट ऑफ द शॉप। और वो सीधा ऑफिस, वो सीधा जो है तो दुकान से निकलकर
मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक। वो सीधा उस दुकान से निकलकर ऑफिस की तरफ चेक बुक लेने के लिए निकल पड़ा। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये खबर पूरे बाजार में जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल्ड टू द शॉप सर्कुलेटेड अमंगस्ट। छोटे दुकानदारों से ग्राहकों तक पहुंची और चारों तरफ यह खबर फैल गई कि बैंक बर्बाद होने जा रहा है। अमंगस्ट द कस्टमर और कस्टमर्स में भी ये बात फैल गई। एंड देन स्प्रेड विद देम इन अ वेरियस डायरेक्शन। और हर तरफ इस खबर ने धूम मचा दी। टू द बेटल सेलर टेलर द फ्री वेंडर द ज्वेलर द बेगर सिटिंग ऑन द पेमेंट। ये खबर कि बैंक बर्बाद होने जा रहा है, पान वाले तक, दर्जी तक, ठेले वाले तक, सुनार तक और फुटपाथ पर बैठे हुए फकीर तक पहुंच चुकी थी। यानी पीपल नगर में ये खबर तमाम लोगों को पहुंच चुकी थी। ओल्ड गणपत द बेगर, बूढ़ा भिखारी जिसका नाम गणपत था, हैड अ क्रूक लेग। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था या उसके एक पैर पर पैरालिसिस हो चुका था। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक लेग। एक उसका पैर मुड़ा हुआ था या कमजोर था। ही हैड बीन स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स। वो कई वर्षों से इसी रास्ते पर खैरात मांगने के लिए फुटपाथ पर दो जानू बैठा रहता था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी भीख, और वो भीख मांगा करता था। इन द इवनिंग सम वुड कम, शाम में कोई आता विथ अ बैरो एंड टेक हिम अवे। और वो दो पहिए वाली गाड़ी पर बैठकर उस आदमी के साथ चला जाता। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। किसी ने उसे कभी चलते हुए नहीं देखा था। लेकिन बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स। लेकिन जब बैंक के डूबने की खबर इसने सुनी तो गणपत एस्टॉनिश एवरीवन, यानी गणपत ने सबको ताज्जुब में डाल दिया। क्यों डाल दिया? लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। उसने जैसी खबर बैंक के डूबने की सुनी, गणपत उछलकर अपने पांव पर खड़ा हो गया और नहायत तेजी से बैंक की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर लोग हैरतजदा रह गए। इट सून बिकम नोन दैट ही हैड 1000 रुपीज इन सेविंग। जल्दी लोगों को ये मालूम हो गया कि इसने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए थे। यानी उस वक्त ये 1000 रुपये बहुत ज्यादा थे और एक लंगड़े भिखारी ने ये पैसे बैंक में जमा किए थे। वो पैर से माजूर था लेकिन खबर सुनते ही वो दोनों पैर पर बैंक की जानिब दौड़ पड़ा। सो माय डियर फ्रेंड, हियर वी आर स्टॉपिंग। हम यहाँ पर रुक रहे। इट वॉज अवर सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट था। उम्मीद है आप गौर से सुन रहेंगे और आपको ये सबक पसंद आ रहा होगा। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में एक बार फिर मुलाकात होगी। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।